सभी भाई बहनों ने मेरी राम राम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थान का प्रसिद्ध, जो कि मतलब कि मारवाड़ी तरीके से कैसे भुर्ता बनाया जाता है, तो मैं वो बना रही हूँ। तो ये मैं बैंगन है जो चूल्हे में, और ये जो मैंने मतलब कि टमाटर हैं चूल्हे में आँच में भून लिए हैं, और अब मैं इनको छील लूँगी। और ये मैंने हरी मिर्च भी भून लिए, और मैं इनको कपड़ों से पोंछ लूँगी। और टमाटर मैंने ऊपर से धो लेकर छील लिए हैं, और अब मैं बैंगनों को छील लूँगी। और इनको छीलने के बाद मैं इनको पीस लूँगी। और अब मैं सिलौटे पर नमक और मिर्च जो पीस लेती हूँ, साबुत है जो, अब उसको पीसने के बाद मैं इसमें लहसुन भी साथ में ही पीस लूँगी। और लहसुन पीसने के बाद मैं इनमें देख लूँगी मतलब कि इनमें कोई कीड़े वड़ा तो नहीं है, और फिर इनको साथ में मोटा मोटा पीस लूँगी, ज़्यादा बारीक तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ये मोटा मोटा इनको जो है पीस लिया है, और पीस करके मैं इनको जो मतलब एक प्लेट में निकाल देती हूँ। और मैं इसी पर लहसुन छेद लूँगी जो मेरा लहसुन मतलब कि, और अब मैं टमाटरों को काट लूँगी। तीनों टमाटर मैंने काट लिए हैं, और ये हरा धनिया मैंने इसी में काट लिया है जो कि इसी के साथ डाल दूँगी मैं। और ये जो है मैं डाल रही हूँ इसमें तेल, तो भरते में जो है तेल ज़्यादा ही डलता है। तो अब मैंने हरी मिर्च और लहसुन डाल दिया, और अब मैं ऊपर से टमाटर जो मेरे थे वो मैंने डाल दिए हैं, और टमाटर का पानी मैंने डालना नहीं है, उनको मैं सीधा भरते के साथ डाल दूँगी। और अब मैंने ये सारा डाल दिया है, और अब मेरा भरता जो है तैयार हो गया है। तो बताना मेरा भरता और रोटी की आपको कैसी लगी।